महामहिम राज्यपाल के माध्यम से उनके लिए उन सारी चीजों का प्रावधान किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। ऐसे सारे विषय से लेकर के कई ऐसे जो है विकास का काम जो शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल स्टेट होने के नाते यहाँ कई प्रकार की चीजें जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है वह भी इस स्टेट में जो है ठीक ढंग से नियमानुकूल संवैधानिक रूप से नहीं हो रहा है। इस बात को भी हम गांव में किस प्रकार से पहुंचा करके हम जो है उनके लिए जो उनकी जो मौलिक अधिकार है संविधान द्वारा प्रदत्त है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पॉइंट के आधार पर उनके लिए वर्णित किया गया है उसको भी हम उन तक पहुंचा करके लाभ देने का काम हम करेंगे। इस प्रकार से इस कार्य समिति में हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पर कई प्रकार के जो है चीजें जो है ट्राइबल कमीशन के अंदर में आता है, कोई अत्याचार हो रहा है, कई प्रकार के घपले हो रहे हैं, कई प्रकार का जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे हमको जो जनजातियों को जो यहाँ पर किसी प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, किसी प्रकार से छला जा रहा है, किसी प्रकार से हमें जो है घपले में फंसाया जा रहा है, यहाँ महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार से कई तरह के जो है चीजें जो है घटनाएं घटती है, लेकिन इसको भी देखने के लिए यहाँ के गवर्नमेंट कहीं से भी सक्षम नहीं है, कहीं से भी पहल नहीं करता है। हम पहले जैसा थे वैसे ही छोड़ देता है, केवल और केवल वोट बैंक के समय में यहाँ उनके पास में कुछ चीजों का प्रलोभन देकर के वो वोट बैंक बनाने का काम करता है। इन सारे चीजों को हम एसटी मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता गांव में जाकर के अगर ट्राइबल कमीशन के पास में अगर ये विषय को लाना होगा तो सीधे हम वहां पर पहुंचा करके इसका समस्या का समाधान निराकरण करेंगे, ऐसा हम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज तय किया। इसी प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी के बाद इतने बड़े योजना जनजातियों के लिए किया है। इसके पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों के प्रति पूरी संवेदना दिखाई, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो जनजातियों के विकास के लिए अलग से जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेबल किया, स्थापना किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन जनजातियों का विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कैसे स्वावलंबी हो आत्मनिर्भर हो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके चलते जो यहाँ पर जो है एकलव्य विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल जो है मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है पूरा खोलने के लिए देश भर में जहां जिस भी ब्लॉक में 20,000 से ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खुलेगा, इसका योजना किया जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस वित्तीय वर्ष में कुछ ना कुछ यहाँ पर बनने वाला है। उसी प्रकार से फॉरेस्ट रिज्यूज किस प्रकार से यहाँ के जो जन जीवन का जो आधार वर्षों से प्राचीन समय से रहा है पुरातन समय से रहा है उसको भी जो है यहाँ पर आज के दिन में जब लोकतंत्र के समय में आजादी के बाद में जब कई प्रकार के जो संविधान का निर्माण हुआ अधिकार का प्रावधान हुआ उस समय इन लोगों को जंगल पर आधारित रहने वाले चीजों से भी वंचित कर दिया गया था, वैसे चीजों का उत्पादन किस प्रकार से जनजातियों के अधिकार क्षेत्र में दिया जाए इसलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से कॉम्युनल फॉरेस्ट राइट कैसे इनको मिले, मतलब वन ग्राम समिति के माध्यम से इनको क्या अधिकार दिया जाए जिससे कि ये उत्पादन से लेकर के प्रबंधन संरक्षण संवर्धन करते हुए वो जो है प्रोड्यूस को भी प्रोसेसिंग करते हुए व्यापार तक आगे बढ़ करके अपनी आय की आमदनी को बढ़ा सकता है। इस प्रकार से यह जो है भारत सरकार ने केंद्रीय हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे सारे महत्वपूर्ण जो विषय है हम गांव तक हमारे लोगों को बताएंगे ताकि जिस प्रकार से जनजातियों के लिए आदिवासी के लिए संवेदनशील है प्रधानमंत्री, जिसके चलते आप देखते होंगे पहली बार आजाद भारत में भारत सरकार में 8 आदिवासी मंत्री हुए, ये पहली बार हुआ है 8 आदिवासी केंद्र सरकार में मंत्री हुए और 3 जो है कैबिनेट मंत्री हुए हैं आदिवासी। इसके साथ साथ आजाद भारत में पहली बार कोई एक आदिवासी
निवासी को कानून मंत्री कैबिनेट मिला है, यह जो है पहली बार ऐसा हुआ है। यानी यह सब चीज बताता है कि इस देश के आदिवासी भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके विकास के रास्ते आगे बढ़े और अपने आय की आमदनी को आगे बढ़ाते हुए जो है एक स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री जनजातियों के लिए पूरा संवेदनशील है। इन सारे बातों को हम बताते हुए हम गांव में जाएंगे, हमारे लोगों के पास जाएंगे, बूथ स्तर तक हम जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लोग जागरूक होंगे और अपने अधिकार को जो है प्राप्त करेंगे और स्वयं भी होंगे, आगे बढ़ेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोसेसिंग करते हुए वो आमदनी को दुगुनी करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता आगे काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारा जो है सामाजिक कई समस्याएं हैं। हम पार्टी का काम करते करते संगठन के साथ साथ हम गांव में जाएंगे तो हमारे गांव के लोगों को भी कई प्रकार के षड्यंत्रकारी लोगों ने हमें भ्रमित करने का काम किया है। आजादी के बाद से कई ऐसे राजनीतिक संगठन इस प्रदेश के अंदर शासन किया है और ये जनजातियों को हमेशा से वोट बैंक बनाया है, कभी भी उनके लिए विकास के लिए रचनात्मक काम नहीं किया है। इन बातों को भी हमें बताना है और हम बीजेपी पार्टी को कैसे सशक्त कर सकते हैं, इस दिशा पर हम आगे बढ़ेंगे। यही आज के इस कार्य समिति में मुख्य रूप से हम चर्चा करके इस प्रदेश के अंदर पार्टी का विस्तार एसटी मोर्चा अपने समाज समुदाय गांव के पास जाकर के काम करने वाली है, यही आज हम सब लोग तय किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेन कैंटीन बोल दीजिए, क्या बोलना चाहते है वो बोल दीजिए, सीधा क्या बोलना चाहते। मुख्य रूप से यहाँ पर बीजेपी एसटी मोर्चा का स्ट्रेटेजिक चुकी मीटिंग हुआ, इसमें आंध्र प्रदेश के अंदर हम एसटी कम्युनिटी के अंदर एसटी मोर्चा के वर्कर्स के माध्यम से हम गांव गांव में जाएंगे। हमारे फ्रीडम फाइटर इस स्टेट के अंदर हुए हैं ट्राइबल, उसको सम्मान देंगे। हमारे ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं, यहाँ के कम्युनिटी का एक जो है आस्था विश्वास है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ट्राइबल कम्युनिटी के प्रति पूरे संवेदनशील है। यह जो हमारे 8 ट्राइबल मिनिस्टर बना करके दिखाने का काम किया है, विकास के कामों को जिस प्रकार से रचनात्मक तरीके से जनजाति के माध्यम पर लाया के अंदर में लाया गया है, इसको भी हम गांव गांव तक पहुंचाएंगे, हमारे जनजातियों तक पहुंचाएंगे और संगठन का विस्तार करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। आपको जो 8 मंत्री को वैकेंसी दिया करके बोला ना यशस्वी प्रधानमंत्री, वो कहाँ है, कौन सा स्टेट में दिया? एक 3 कैबिनेट मंत्री है, उसमें से एक अर्जुन मुंडा, और कौन? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, और दूसरा किरण रिजिजू, आगे तीसरा सर्वानंद सोनोवाल, ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें से एमओएस एक रेणुका सिंह, दूसरा भारती पवार, तीसरा विशेश्वर टुंडू, चौथा ये चोर बारला, 4-3-7 हुआ, और एक है, हाँ एक जो है हमारे एमओएस है, हमारे ट्राइबल लीडर है श्री फक्कर सिंह कुलस्ते, ये 8 जो है ट्राइबल मिनिस्टर को प्लेस। तो कौन सा राष्ट्र का? एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र, एक उड़ीसा, एक अरुणाचल प्रदेश, एक बंगाल, वेस्ट बंगाल, इस प्रकार से 8 स्टेट हमारे एपी में नहीं है, यहाँ भी होगा। ये तो निरंतर ये करने का है, इधर तो
इधर भी होगा। हाँ तेलंगाना से तू है ना अपना విశాఖపట్నం జిల్లా గురించి మీకు తెలుసా? ఒకటి సార్, డి యు నో అబౌట్ విశాఖ డిస్ట్రిక్ట్? నిజం आज जो हमारा एक जुडिशियल मीटिंग हुआ, इसमें जिला से सभी लोगों ने कई प्रकार की समस्याओं के बारे में यहाँ बताने का काम किया। विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के बारे में भी लोगों ने बताया। मुझे पता है कि ये शहर के जो सराउंडिंग जो है, ट्राइबल विलेजेस है, ट्राइबल पॉपुलेशन वाला विलेज है। आजादी के बाद इतने वर्षों से यहाँ कई प्रकार के राजनीतिक दल के लोगों ने शासन किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। डेवलपमेंट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। ये केंद्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, इसके बाद में सेंट्रल स्कीम्स के जो है यहाँ पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं और आज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ जो है सारे योजना स्टेट के अंदर में होता है। स्टेट अगर पूरे सेंसिटिव रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स भी यहाँ पर हमारे गाँव तक पहुंचेगा। आज यहाँ स्वच्छ भारत की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, ये स्टेट गवर्नमेंट बहुत संवेदनशील नहीं, निष्क्रिय है या तो संकुचित मानसिकता से चलने वाला है, जिसके कारण ये योजना आज तेजी से गांव में आपके विशाखा जो जिला है, मतलब जो जिला है इसके अंदर ये मेरे को जानकारी है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ साथ इस पैंडेमिक रावण में विषम परिस्थितियों में संकट के काल में जिस प्रकार से जो है लोगों को वैक्सीन मिले और जो कोरोना जैसे जो संक्रमण से हम निजात पाए, उस लड़ाई से हम जीते, इसलिए वैक्सीन जो है यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है सारे के सारे यहाँ पर भेजने का काम किया। इसके बावजूद यहाँ की सरकार ने हमारे सभी लोगों को वैक्सीन नहीं देने का काम कर रहा है, यहाँ तक कि उनके अपने लोग जहाँ जहाँ है उनको जो है मोबिलाइज करके उनके अपने योजना के साथ उनको वैक्सीन देने का काम कर रहा है। बाकी जो लोग को जो होना चाहिए वैक्सीन देना चाहिए, ये काम यहाँ की सरकार नहीं कर रही। जिला में नॉन शेड्यूल एरिया में रहने वाले आदिवासी लोग बहुत हैं, आपके मालूम है। इसी बारे में आपने पार्लियामेंट में कोई चर्चा करता है? निश्चित रूप से, यह फिफ्थ शेड्यूल स्टेट है, मैंने पहले बताया। फिफ्थ शेड्यूल स्टेट में चाहे ट्राइबल विलेज हो या नॉन ट्राइबल विलेज हो, उसका पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लिस्ट है, ट्राइबल लिस्ट के आधार पर उसको बाकी सारे चीज प्रोविजंस किए गए। इसलिए ट्राइबल विलेज हो अथवा नॉन ट्राइबल विलेज हो, बट वहां जो रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी मेंबर्स होना चाहिए, वो होगा तो उसको मिलेगा ही। अगर अभी तक वो सुविधा नहीं मिला है तो मैंने बताया कि ये सरकार किस प्रकार से जो अलग कर करके जो काम करती है उसी का परिणाम है कि उन लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाया। विशाख जिला आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे ऐसी सारी चीजों को देखते हुए
वो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी यहाँ स्थापना करने के लिए शुरू कर दिया है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर में। देश भर में पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश चीजें तो है ही है, लेकिन स्पेशली ट्राइबल यूनिवर्सिटी दूसरे स्टेट में कहीं नहीं, भारत में ट्राइबल यूनिवर्सिटी हाँ वेरे स्टेट आपका वॉइस अच्छा है, आपका वॉइस अच्छा है, उनको पसंद है। बिहार का है, thank you.